हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, खाली डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि आप घर में रह के कैसे ऐप्स बना सकते हैं। 6 से 7 एक्सरसाइज मैं बताने वाला हूँ, साथ में वार्म अप की भी बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़रूरी है। वार्म अप करने के बाद मैं आपको प्रॉपर ऐप्स की एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप अच्छे खासे ऐप्स बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट एक्युमुलेटेड है तो आप अगर ऐप्स नहीं बना पाएंगे 4 वीक्स में, तो कम से कम आप काफ़ी फैट यहाँ कर लूज़ कर सकते हैं कम्बाइंड विद योर डाइट एंड अदर एक्सरसाइजेस। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप घर पर रह के कैसे अपनी ऐप्स बना सकते हैं ईजिली। बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइजेज नहीं है, तो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो एंड आगे देखिए मैं कैसे आपको बताता हूँ ऐप्स की एक्सरसाइजेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इस सेगमेंट में सबसे पहली एक्सरसाइज ये है कि सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप। में हमें सबसे पहले करना है, आजकल हम बाहर तो जा नहीं सकते तो रनिंग वगैरह तो कर नहीं सकते, तो वार्म अप के लिए सबसे पहले हम करेंगे जंपिंग जैक्स। तो स्टार्ट करते हैं जंपिंग जैक्स। तो देखिए जंपिंग जैक्स के आपको 30 रेपिटेशंस के 3 सेट करने हैं। अगर इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो प्रोबेबली आपको 50 करने चाहिए, बट बिगिनिंग में 30 से स्टार्ट करिए। और फिर जंपिंग जैक्स के बाद अगर आपके पास स्किपिंग रोप हो तो स्किपिंग रोप से कर लीजिए। अदरवाइज कुछ लोगों को स्किपिंग रोप से करने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव है कि आप इमेजिनरी स्किपिंग रोप समझ के भी कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो स्किपिंग के भी आपको अराउंड 60 रेपिटेशंस के 3 सेट करने हैं। 60 रेपिटेशंस से ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, बट ये दोनों वार्मिंग अप एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। व्हेन वी आर डन विद वार्म अप एक्सरसाइज, अब हम स्टार्ट करेंगे एब्स की मेन एक्सरसाइजेस। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रंचेस करने होंगे, बट क्रंचेस विद अ ट्विस्ट। उसमें हमें क्या करना है, अपने लेग्स को ज़मीन पे नहीं रखना है, हमें लेग्स को हवा में ही रखना है। तो स्टार्ट करते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ क्रंचेस कैसे करते हैं, चलिए। लेग्स को ऐसे हमें हवा में रखना है और देन स्टार्ट करने क्रंचेस। इसको आप इसके आपको एटलीस्ट 15 रिपीटेशन करने हैं और 3 सेट करने हैं। बिगिनिंग में 3 सेट करने हैं, जब आप थोड़ा टाइम हो जाएगा आपको करते हुए तो आपको 4 सेट करना है और रेपिटेशन 20 कर देने हैं। और इसमें ध्यान रखना है आपको कि आप अपने नेक पे बहुत ज़्यादा जोर मत डालिए, नहीं तो इससे नेक पे इंजरी हो सकती है। तो आपको जो अपना हेड है उसमें जस्ट हाथ को टच करना है, फोर्स नहीं करना। लिफ्ट आपको अपने शोल्डर्स को करना है और थोड़ा सा बैक को करना है। हाथ से आप बिल्कुल भी नेक पे अपने जोर मत डालिएगा, अदरवाइज इसमें नेक की इंजरी होने का बहुत चांसेस है। तो ये हो गए हमारे क्रंचेस। इसके बाद हम करेंगे लेग रेज, बोथ लेग रेज। चलिए देखते हैं उसको कैसे करना है। यहाँ पे अपने हैंड्स को हिप्स के नीचे रख लीजिए एंड देन स्ट्रेटन योर लेग्स। नाउ स्टार्ट डूइंग लेग रेज। सिमिलरली बिगनिंग में आपको इसके भी 15 रेपिटेशन करने हैं और 3 सेट करने हैं, और जैसे ही आप थोड़ा करने लगेंगे उसके बाद इसके 4 सेट और 20 रेपिटेशन ईच। अब हम ऑल्टरनेट लेग रेज करेंगे। सिमिलरली हैंड्स अंडर योर हिप्स स्टार्ट।
इसके आपको 30 रेपिटेशंस करने, ऑल्सो कह सकते हैं हम सिंगल लेग के लिए आपको 15 रेपिटेशंस हो गए, तो इसके भी आपको अभी 3 सेट करने हैं, और बाद में जैसे हमने बाकी एक्सरसाइज में बताया वैसे ही करना है। तो ये तो हो गया हमारा लेग रेज। अब लेग रेज के बाद हमें क्या करना है, हिप रेज। हिप रेज में आप स्टार्टिंग में तो बिना वेट के करिए, जब आप थोड़ा सा टाइम हो जाए तो विद वेट करिए। मैं विद वेट दिखाऊंगा बट आपको बिना वेट्स के करना है। चलिए दोनों दिखा देता हूँ मैं, बिना वेट्स के कैसे करना है और विद वेट्स आपको कैसे करना है। आपको क्या करनी है, बॉडी और जो आपके थाइज हैं उसको एक स्ट्रेट लाइन पोजीशन में लेके आना है, और सिमिलरली ऐसे आपको रिपीटिशन करने। तो बेसिकली अब मैं क्या बताऊंगा आपको, हिप रेज कैसे करने हैं आपको विद वेट, तो देखते हैं कैसे करते हैं उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाई डाउन लाइक दिस एंड प्रेफरेबली यूज अ कुशन हियर एंड पुट योर वेट लाइक दिस एंड जस्ट स्टार्ट। तो वेट भी आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करना है, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ अ कुशन व्हाइल यू आर पुटिंग हैवी वेट ऑन योर स्टमक, बिकॉज अगर आप यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी वेट लगाएंगे और कुशनिंग नहीं करी होगी आपने, तो आपके पेट में इंजरी भी हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको कुशन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए आपके हिप रेज। तो अभी हमने ऑलमोस्ट 4 एक्सरसाइज देख ली है, इसके बाद अब हम देखेंगे माउंटेन क्लाइंबिंग। इसमें आपको एक प्लैंक की पोजीशन में आ जाना है, फिर स्लोली एक लेग को आगे करना है बिना जमीन पे टच करे पीछे लेके जाना है, देन दूसरे लेग को आगे करना है बिना जमीन पे टच करे पीछे लेके जाना है। अब इसी को आपको एक फ्लो में करना है। इसके आपको एटलीस्ट 40 रेपिटेशन करने हैं, लाइक 20 रेप्स फॉर ईच लेग, और 40 रेपिटेशन के बाद 3 सेट करने इसके। तो ये हो गई हमारी 5वीं एक्सरसाइज एब्स की। अब इसके बाद हम करेंगे प्लैंक। प्लैंक में आपको याद रखना है कि प्लैंक का जो ईच आपका एक सेट होगा उसमें स्टार्टिंग में आपको मिनिमम 30 सेकेंड करना है। तो प्लैंक करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपने साथ में एक स्टॉप वॉच रखें या फिर अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच को खोल लें, तो उससे काफ़ी बेनिफिट रहता है। तो चलिए देखते हैं कि प्लैंक कैसे करना है। सबसे पहले अपने हैंड्स को ऐसे रख लीजिए, देन आपको ऐसे बॉडी स्ट्रेट करनी है और सामने देखना है। तो इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए, और 3 रेपिटेशन 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखना है। एंड तो इस पोजीशन में आपको 30 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है और इस तरह के आपको 3 सेट करने हैं। इससे आपका जो लोअर एब्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये 6 एक्सरसाइज हो गई। एक एक्सरसाइज मैंने मिस कर दी थी, एक और एक्सरसाइज है आपको जिसमें हमें करना है लेग्स को ट्विस्ट करना है। इसमें हमें लाई डाउन करना है एंड इसको मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। लेग्स को हमें हिप्स के नीचे रखना है एंड
You have to do like this. तो ये भी एक्सरसाइज आपकी हो गई लोअर एब्स के लिए, ठीक है। तो ये तो जितनी 6-7 एक्सरसाइजेस थी मैंने आपको बताई हैं, ये है आपकी एब्स के लिए। तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जो मैंने अपने थंबनेल में दिया था, वो कोई क्लिक बेट नहीं है। आपका ये डिपेंड करेगा कि आप क्या डाइट ले रहे हैं और आपकी करेंट बॉडी शेप क्या है। अगर करेंट बॉडी शेप में आपका बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैट है तो हो सकता है आप 4 वीक्स में एब्स ना आ पाए आपके, बट 4 वीक्स में आप काफ़ी सारा फैट लूज कर सकते हैं, कंबाइंड विद अगर आप प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और प्रॉपर कार्डियो एक्सरसाइज करें। अगर रनिंग नहीं कर रहे हैं तो घर पे भी, आपको मैंने स्टार्टिंग में 2 बताई थी, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, स्टेप्स को इंक्लूड कर सकते हैं। स्टेप्स भी एक तरह की वार्म अप एक्सरसाइज होती है, वो भी बता सकता हूँ मैं, वो प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जब हम और तरह का वर्कआउट करेंगे, तो उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेटेड है यहाँ पे, तो आप 4 वीक्स में काफ़ी लूज़ कर सकते हैं और बेसिकली आपका पेट एक फ्लैट हो सकता है बिल्कुल। और ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी डाइट पे, कंबाइंड विद दीज एक्सरसाइज ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे, ठीक है। और अगर आपके फैट कम है, मतलब आपका पेट ऑलरेडी फ्लैट है, जस्ट हल्की से आपका टमी बाहर निकला हुआ है, तो अगर आप इन एक्सरसाइजेज को अराउंड 1 मंथ के लिए करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो प्लीज़ डू टेल मी आफ्टर 1 मंथ। सो इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।